नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास शो बाजार शास्त्र में। बाजार शास्त्र, जी हाँ, एक ऐसा शो जो आपको देता है सही दिशा बाजार की मनोविज्ञान को समझने के लिए। और हमारे साथ इस शो में हमारी इस तमाम मुश्किलों पर मदद करने के लिए हमारे एक्सपर्ट सुनील मिगलानी बने हुए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। पिछले एपिसोड में आपने ये बात करी और ज्यादातर लोगों को यही मिथ है कि नए नए नौ सीखे हैं, लेकिन फिर भी इंट्राडे ट्रेडिंग तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कर ही सकते हैं उसे। लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया इंट्राडे ट्रेडिंग जो बाद में आई जाती है उसे पहले करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन ये ट्रेडिंग एक्चुअली की कैसे जाए? अभी तक हमने बहुत थियोरेटिकल समझा, लेकिन अब ट्रेडिंग कैसे की जाए? देखिए, ट्रेडिंग कैसे की जाए उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। लोग जब ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं इस मार्केट में, तो उनको जब तक ये नहीं मालूम चलेगा कि मार्केट चलता कैसे है। और मैं यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ पहले कि मार्केट, जब हम एक लाइन यूज़ करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमारा मतलब मार्केट से नहीं है। स्टॉक भी हो सकते हैं, उसमें कमोडिटी भी हो सकता है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, सब कुछ। हम प्राइस की बात कर रहे हैं। तो मार्केट जब बिहेव करता है या प्राइस जब बिहेव करता है, उसका एक बिहेवियर सेट है, यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उस सेट बिहेवियर को हमें रीड करना आना चाहिए जी। सबसे पहला लोगों में एक डाउट रहता है, उनको लगता है कि सब कुछ सीधी लाइन में चलता है। मार्केट या कोई भी स्टॉक कभी भी ना तो सीधी लाइन में ऊपर जाता है, ना सीधी लाइन में नीचे आता है, स्टेप्स में जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इस तरह से ना कोई स्टॉक ऊपर जाएगा ना इस तरह से नीचे आएगा। और स्टॉक की बात हम छोड़ देते हैं, कोई भी चीज कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती। वेव्स होती है, आपने वेव्स देखा होगा, लहर चलती है, जैसे उस तरह से चलती है, पानी जैसे चलता है, एक स्टेप नीचे एक स्टेप ऊपर, स्टेयर्स चढ़ते हैं जैसे आप, इस ढंग से ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर जाता है, ऐसे स्टॉक ऊपर जाता है और ऐसे ही स्टॉक नीचे आता है। तो एक ये उसका बिहेवियर है, वो बिहेवियर आपके लिए नहीं है कि मैंने लिया है इसलिए ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर उसका सेट है। ये जो बीच के जो पोर्शन है इनको हम करेक्शंस बोलते हैं। ये करेक्शन हर तरह से हर किसी के आएगा और ये आना जरूरी है करेक्शन, क्योंकि इसी से इसको जब नीचे जाएगा तो ऊपर आने का फोर्स मिलता है। जी। आप समझ लीजिए, आज कोई आदमी किसी को मारना चाहता है, मैं आपको हिट करना चाहता हूं, तो अगर मैं ऐसे हिट नहीं कर सकता हूं, आपको मुझे पीछे जाना पड़ेगा, तो यहां से पावर आएगा। ऐसे ही मार्केट या स्टॉक नीचे जाता है तो नीचे से ऊपर का पावर आता है, एक्शन टू रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन जब होगा, वेव चलती है, लहर चलती है, पानी चलता है, तो ऐसे चलता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। उसी तरह से कोई भी चीज प्राइस है, किसी भी चीज का प्राइस है, वो ऊपर जाने के लिए उसका बिहेवियर ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। जनरल इन्वेस्टर या ट्रेडर जो भी है वो इस तरह से फंस जाता है, उसको लगता है कि वो ऐसे चलेगा, मैंने ले लिया तो अभी उसको हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए, कभी नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होता, यानी इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं में बहुत सारे लोगों का भविष्य छुपा है और बहुत सारी उलझने, बहुत मुश्किलें छुपी हुई हैं। और आपने यहाँ बात बिल्कुल सही की है, ठीक है, एक ये लाइन हमने देख ली कि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों सुनील कि अगर कोई स्टॉक आपने खरीदा, आपने स्टॉक यहाँ खरीद लिया, अभी तो ऊपर चला गया लेकिन उसके बाद फिर गिर गया, करेक्शन आपके लिए नहीं है। आपने नहीं लिया तो करेक्शन आए, आपने लिया इसलिए करेक्शन आई, ये नहीं है। आपने बाई चांस उसी समय लिया जब करेक्शन का टाइम था उसका, वो यहां पे लेता है उसी समय स्टॉक गिरता है, और पहले दो तीन दिन उसको फील नहीं होता है, ठीक है, वो ये मानता है कि थोड़ा बहुत उतरता चढ़ता रहता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये स्टॉक ऊपर ही नहीं आ रहा है, नीचे ही गिरता जा रहा है, तो धीरे धीरे उसका पेशेंस लूज होना शुरू हो जाता है, फिर ये स्टॉक एक जगह आके खड़ा हो जाता है उसके भाव के नीचे, फिर उसका पेशेंस टेस्ट किया जाता है, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, चार हफ्ता खड़ा रहता है वो स्टॉक, वो रोज देखता है नीचे, रोज देखता है, और उसके सामने दूसरे स्टॉक ऊपर जा रहे होते हैं। अब उसका कैपिटल फंस चुका होता है, वो ट्रैप है, वो कुछ कर सकता नहीं है, और एक दिन ऐसे ही 20-25 दिन बाद, एक महीने बाद, कोई उसके अंदर कोई खराब न्यूज आता है, वो स्टॉक नीचे खुलता है 5%, उसी दिन वो पैनिक में काट देता है। वो पैनिक में जिस दिन काटता है उस दिन बॉटम बन जाता है, और उसके दो दिन बाद स्टॉक, उसके दो दिन बाद स्टॉक फिर ऊपर। अब जिस आदमी ने यहाँ पे लिया और यहाँ पे काट दिया, आप उसकी साइकोलॉजी समझिए, वो इस लेवल तक तो हाथ नहीं लगाएगा उस स्टॉक को। ये स्टॉक मान लीजिए ये 400 रुपए का रेट है और ये 375 रुपए का रेट है, तो 375 रुपए में अगर मैं 400 रुपए में बाय करके और 375 में स्क्वायर कर चुका हूं, तो मैं 400 रुपए तक तो देखूंगा भी नहीं स्टॉक। बिल्कुल। अब जब वो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चलता चलता 400 तक पहुंच जाता है, तब तक तो मैं ध्यान नहीं देता, मुझे लगता है बेकार स्टॉक है, मैंने पहली बार ना ऐसे ले लिया था, मेरे पापा ने मुझे गलत सलाह दिया। लेकिन वो स्टॉक एक्चुअली अप ट्रेंड में है, वो ऊपर चलता है, फिर इस एरिया तक जब वो स्टॉक पहुंचता है अपने पहले वाले हाई से ऊपर, तो एकदम से फिर मुझे याद आता है, यार ये मैंने गलती तो नहीं कर दिया कहीं, मैंने स्टॉक जल्दी काट दिया, मैंने, मेरा डिसीजन राइट था,
मैंने स्टॉक जल्दी काट दिया, कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा लूंगा, अब मैं इसको वॉच करता हूँ, फिर वो वॉच करता है और फिर किसी दिन ऐसा होता है कि वो ऐसी जगह जाके लेता है जहां से उसी दिन गिरना होता है और फिर वो उसके लेते स्टॉक गिरता है और ऐसे 1, 2, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम वो स्टॉक हर बार जब वो लेता है तो नीचे गिरता है, जब वो बेचता है तो वो स्टॉक वहीं से ऊपर आता है, वहीं से थोड़ा सा नीचे से ऊपर से वहीं से आता है। अब वो आदमी वो ट्रेडर जो कि 5 बार 10 बार इस तरह के मूव में हर बार ऊपर लेके और नीचे बेच के लॉस खा चुका है, वो अपने एक्सपीरियंस से ये चीज सीख जाता है कि हाँ कभी भी नीचे गिरे ना तो बेचना नहीं होता, हमेशा लेना होता है। वो कहता है अब मैं सीख चुका हूं, अब मैं मार्केट का परफेक्ट ट्रेडर बन गया हूं, जब भी नीचे गिरेगा तो मैं लूंगा। जिस दिन उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है उसी दिन साइकिल बदल जाती है। लेकिन कैसे सुनील, अगर सपोज कीजिए वो इस पीक पर था और उसे लगा कि कोई बात नहीं, गिर रहा है स्टॉक, मैं ले लूंगा, लेकिन उसे क्या पता कि बॉटम यहां तक होना है। मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, बॉटम यहां तक, ये वाला देखिए, जब हम मार्केट का चाल का बात करते हैं तो हमारे सामने जब आप किसी टेक्निकल एनालिस्ट को सुनते हैं तो वो आपको हमेशा ट्रेंड वर्ड यूज करते हैं। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है ऊपर जाने का ट्रेंड, नीचे आने का ट्रेंड। ये मार्केट या कोई भी स्टॉक हमेशा हर समय किसी ना किसी ट्रेंड में रहता है, कोई तो ऊपर के ट्रेंड में रहता है, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। राइट, डाउन ट्रेंड के अंदर हर बार जब भी स्टॉक नीचे गिरेगा तो और उसमें हल्का सा उछाल जिसको हम बोलते हैं आएगा, वो उछाल उसके पिछले वाले हाई को नहीं काट पाएगा, इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। राइट, और अप ट्रेंड हम उसको कहते हैं कि जब भी वो ऊपर जा रहा है स्टॉक, जब भी वो नीचे गिरेगा तो अपने पहले जो उसने लो क्रिएट किया है कोई भी लो उसके नीचे वो नहीं जाएगा, ये अप ट्रेंड का साइन है। Right. ये साइन, ये डाउन ट्रेंड का। टेक्निकल टर्म में कहें तो हायर हाईज एंड हायर लो, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बोलते हैं इसको हम, ये हायर टॉप बनाएगा हर बार, टॉप जो है वो नया बनाएगा, नया हाई बनाता जाएगा और नीचे जो फॉल करेगा तो लो भी पहले से हायर साइड पे बनाएगा। Right. ये डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स, हर बार जब भी गिरेगा पहले वाले लो से नीचे का लो क्रिएट होगा और जब भी उछाल आएगा पहले वाले हाईस को काट नहीं पाएगा वो। राइट, इसका मतलब अगर हम इस पूरे मैटर को देखें, अगर एक पर्टिकुलर चार्ट की यहाँ बात करें तो ये तो हमें समझ आ जाता है कि यहाँ से स्टॉक गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चढ़ा, लेकिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूलते जा रहे हैं कि वो चढ़ने और बढ़ने के पीछे उसकी जो ट्रेंड है वो अब भी अप ट्रेंड ही बनी हुई है। अप ट्रेंड बनी हुई है, मैं यही बोल रहा हूं। उसमें आपको खरीदारी करनी है, चाहे गिर रहा है स्टॉक तब भी आप डरिए मत। लेकिन मैंने आपको यही बोला, आम जो ट्रेडर होता है वो यही फंस जाता है, वो यहाँ फंस के ज्यादा, जब वो 5-7 बार ऐसा कर चुका होता है कि हर बार नीचे गिरने पे अपना स्टॉक जो उसके पास था उसको वो बेच चुका होता है, तो वो उसको ये लगता है कि हाँ अगली बार अभी गिरेगा ना तो मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन उसको एक बात तो भूल जाता है कि ट्रेंड जो है चेंज भी होता है। राइट, साइकिल बदल जाती है। जिस दिन उसको ये समझ में आता है कि हाँ अब मुझे नीचे गिरने पर लेना है, उसी दिन साइकिल बदल जाती है। अब वो यहाँ लेता है, उसको लगा नीचे गिरने, पहले वो ऊपर जाने पे बाय कर रहा था, वो नीचे गिरने पे बाय कर रहा है, वो यहाँ बाय करता है स्टॉक नीचे। Right. यहाँ वो एवरेज बनाता है, वो नीचे फिर एवरेज बनाता है फिर नीचे, उसको लगता है मैं इधर भी फंसता हूँ उधर भी फंसता हूँ, जब ऊपर जा रही है तो मैं बेचता गया और जब नीचे जा रही है तो मैं खरीदता गया। तो हर आम ट्रेडर जो है इसी तरह से बिहेव करता है, इसीलिए वो जब भी बाय करता है वो स्टॉक गिरता रहता है और वो गिरे हुए स्टॉक को जब खरीदता है तो वो और गिर जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता, अभी मैंने एक स्टॉक 100 रुपए का 20 रुपए हो गया, वो भी लिया वो भी 15 रह गया, उसे ये नहीं पता वो नीचे के ट्रेंड में है अभी। Right. जब तक उसका ट्रेंड चेंज नहीं हो जाएगा वो इस साइकिल से इस साइकिल में नहीं आएगा, आपको लेना नहीं है। इसका मतलब सुनील, जो हमारे व्यूवर्स जिस बात से डर जाते हैं कि सपोज कीजिए अगर आपका स्टॉक आपने कहीं यहाँ खरीद लिया, आपने स्टॉक ऊपर तो गया कुछ दिन बाद लेकिन थोड़े दिन तक नीचे जा रहा है, तो आप पैनिक मत करिए, आप उस चीज को समझिए कि कोई बात नहीं, इसमें फिलहाल एक सिर्फ हायर लो है, हायर लो, राइट, सिर्फ एक हायर लो है, आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में अभी भी नहीं आया है। उसके कंफर्मेशन के लिए कि ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में आ चुका है, उसको अपना पिछला वाला कोई भी लो क्रिएट किया होगा उसने, उसको नहीं काटना चाहिए। बाकी चीजें तो देखिए बहुत टेक्निकल हैं, हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ मोटा मोटा कि ये उसको पिछला वाला लो के नीचे लो क्रिएट नहीं करना चाहिए अगर वो एक्चुअल में अप ट्रेंड में है तो। राइट, तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और एक तीसरी तरह का ट्रेंड होता है जिसको हम बोलते हैं साइडवेज, जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट रहती है। शायद एक फैक्ट भी है कि सिर्फ 30% ऑफ द टाइम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होती है मार्केट, रेस्ट इज ऑल साइडवेज। बिल्कुल, आप जब भी 30% ऑफ द टाइम नहीं बोल सकते हैं आप, हाँ ये है कि काफी टाइम मार्केट इस जोन में
जो है निकालता है उसका रीजन क्या है। जब ऊपर कोई चीज जा रहा होता है, अभी आप चढ़ाई कर रहे हैं, आप वैष्णो देवी कभी गए होंगे, जब ऊपर चढ़ते हैं बिल्कुल चढ़ाई करनी पड़ती है, आधा किलोमीटर चलते हैं और 20 मिनट रुकते हैं, फिर चढ़ते हैं फिर 20 मिनट रुकते हैं, एनर्जी आपका ड्राई हो जाता है चढ़ने में। इसी तरह से लेना चाहिए कि अगर आप क्यों डर जाते हैं कि अगर एक स्टॉक चढ़ के नीचे गिर गया है, क्योंकि आप जिस एनर्जी से रिवाइव कर रहे हैं उस तरह से आपका प्राइस भी बिहेव कर रहा है, वो भी रुकना है, वो रुका है अपनी जगह पे। हम जब कहीं ऊपर जा रहे होते हैं तो ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें बीच बीच में स्टॉपेज लेने पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर जाने में एनर्जी लगता है। और आप एक बात नोट करेंगे, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उससे मतलब यहाँ से वापस आने में उससे कम टाइम लगता है। हमें भी यही होता है, हम जब पहाड़ से उतर रहे होते हैं हमें समय कम लगता है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी हमें खींच रहा होता है। प्राइस के साथ भी वही होता है। ये जितने रूल हैं टेक्निकल के, ये सब हमारी लाइफ के रूल हैं एक्चुअली। लोग एक्चुअली कनेक्ट नहीं करते हैं, उनको कनेक्ट करिए, आपको मालूम चलेगा। और ये जो एक जोन है, ये जोन हर समय आएगा, बीच में इधर भी आएगा इधर भी आएगा। लेकिन मुश्किल एक बहुत बड़ी यहाँ पर अभी भी हुआ है सुनील, कि अब अप ट्रेंड कैसे डिटेक्ट करना है और डाउन ट्रेंड कैसे डिटेक्ट करना है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको आपका 5 साल का बच्चा बताएगा, 5 साल का बच्चा बताएगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कह सकता है, जहाँ बड़े बड़े धुरंधर नहीं समझ पाते बाजार को। ये क्या एक पेच है नया जो सुनील ने यहाँ छेड़ दिया, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कहीं मत जाएगा, हम तुरंत लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक से। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है, यानी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये आपको आपका 5 साल का बच्चा कैसे बताने वाला है सुनील? देखिए, जैसे मैंने बात किया, 5 साल का बच्चा भी बड़ा है, उसे छोटा भी बता सकता है। देखिए होता क्या है, हम स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, हमको हमने शायद पहले एपिसोड में बात किया है, हवा का दिशा पहचानना है आपको। अभी हमने पहले बात किया, एक स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है और एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अप ट्रेंड में जो स्टॉक जाता है उसको आप जहां पे भी सेल करेंगे आप वहां ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, हमने देखा उसने यहां बेचा ऊपर। डाउन ट्रेंड में जहां पे भी आप बाय करेंगे वहां पे आप ट्रैप हो जाएंगे और वो स्टॉक आपके हर बार भाव से नीचे जाएगा। हमें यह पता है कि इस वाले ट्रेंड में हमें हमेशा बाय करना है, इस वाले ट्रेंड में हमें हमेशा सेल करना है। और एक ट्रेंड हमने तीसरा देखा है जिसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड साइडवेज, राइट। इस वाले ट्रेंड के अंदर हमको काम नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं है। हम जहां पे भी लेंगे हमें हमको पता नहीं रहेगा कि इसमें क्या करें हम, तो इसमें हमें काम नहीं करना। एक दिन आपको बाय का सिग्नल मिलता है। 5 साल के बच्चे से कहने का मतलब ये है कि इतना ही इजी है ये एक्चुअली। आप एक स्टॉक का, एक किसी भी चीज का एक चार्ट खोलिए, अपने 5 साल के बच्चे को बुलाइए और उसको एक बात पूछिए, बेटा ये लाइन कहाँ जा रही है? अभी इसको छोड़ देते हैं, हम मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक 5 साल के बच्चे से पूछेंगे कि बेटा ये लाइन कहाँ जा रही है, वो क्या कहेगा? अगर इस तरफ कहेगा तो कहेगा ऊपर, उसको ले लीजिए। अगर ये लाइन जा रही है तो क्या कहेगा वो? नीचे आ रही है, इसको भेज दीजिए। और अगर ये अगर उसको दिख रहा है उस चार्ट में, उस बच्चे को, उसको कुछ नहीं पता, वो कहेगा लाइन कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही, इसमें काम मत कीजिए। ये है आपका बच्चे का टेस्ट, यानी ये साइकोलॉजी आप भी लगा सकते हैं। स्टॉक मार्केट इतना ही इजी है एक्चुअली। हम लोग एक्चुअली अपनी ईगो में इसको मुश्किल बना देते हैं। हम लोग नीचे गिरते स्टॉक को कैच करने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाते स्टॉक को माल को बेचते हैं, लेकिन इसमें कोई बहादुरी नहीं दिखाना है आपको। बच्चा जो है आपका वही कर सकता है ये काम, आप नहीं कर पाते। सिर्फ लाइन कहाँ जा रही है उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। हवा इस तरफ चल रही है, आप पतंग उस तरफ नहीं उड़ा सकते। आप याद कीजिए हमने बोला था, बिल्कुल इस दिशा में अगर हवा चल रही है तो पतंग इधर ही उड़ेगी। आप अपनी एनर्जी लगाएंगे और आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। यानी आपको ये जो एक साइकोलॉजी है, आपको ऊपर जाती हुई चीज को खरीदना है, उसको बेचना नहीं है आपको कभी भी। आप काम नहीं करना चाहते, आप सेल करना चाहते हैं, आप इसमें काम मत कीजिए। जैसे हमने कहा था, अगर आपकी ये जिद है कि मुझे यही पतंग उड़ानी है और हवा नहीं चल रही है तो शांत होकर बैठिए, काम मत कीजिए। हम यहाँ सिर्फ ट्रेड डाल सकते हैं, ट्रेड का ऊपर जाना हवा के हाथ पे है।
तो हवा होगी तो ट्रेंड ऊपर जाएगा। तो ट्रेंड तो आपका फ्रेंड है। ट्रेंड हमारा फ्रेंड है जब तक वो बेंड नहीं होता। राइट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट डजंट बेंड्स। बहुत फेमस कोट भी है ये, और इस ट्रेंड को पहचानना है, इस ट्रेंड को समझिए कि ये ट्रेंड ऊपर का है या फिर ये ट्रेंड नीचे का। इनफैक्ट अगर ये बात तो आप ठीक कह रहे हो कि ट्रेंड को पहचान ले, सपोज कीजिए एक रिटेल इन्वेस्टर, मैं अपने पर ही ले लेती हूँ, अगर मैं कोई स्टॉक खरीदती हूँ, मैं स्टॉक एक खरीदती हूँ, दो खरीदती हूँ, तीन खरीदती हूँ, मुझे एक में लॉस हो गया, मुझे दो में लॉस हो गया, हो सकता है मुझे तीसरे में मुनाफा भी हुआ, पर मैं कितने लॉसेस लूंगी? देखिए मैंने आपको सबसे पहले भी हमने अब किया है बात, मैंने पहले भी बोला है कि लॉस इस पूरी गेम का हिस्सा है, लॉस आपको लेने पड़ेंगे। अब ये आपका अच्छा क्वेश्चन है कि मैं कितने लॉस लूँ, मेरा लॉस प्रॉफिट से ज्यादा हो गया, रेशियो सपोज कीजिए मेरी चार जो रेशियो है वो प्रॉफिट की और बाकी पांच जो है वो लॉस की हो रही है। आपने एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। आज 3 बजे का टाइम है और 3 ट्रेड हैं आपके पास, 2 प्रॉफिट में है, 1 लॉस में है, और 1 ट्रेड जरूर काटना है, कौन सा काटेंगे आप? मतलब मेरे पास इतना मार्जिन नहीं है, मैं घर सिर्फ 2 ही लेकर जा सकती, 2 ही लेकर जा सकती, तीसरा मुझे लगेगा कि प्रॉफिट वाला है तो प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ, लेट्स कीप द प्रॉफिट इन पॉकेट, और एक प्रॉफिट वाला ट्रेड काट दूंगी मैं। हर आम ट्रेडर यही करता है लेकिन ये गलत है। अगर 3 ट्रेड आपके पास है और 1 आपको जरूर काटना है और 1 में लॉस हो रहा है 2 में प्रॉफिट हो रहा है तो आपको लॉस वाला ट्रेड काटना है। लेकिन सुनील सपोज कीजिए अगर मुझे जिस ट्रेड में आज प्रॉफिट हो रहा है वो 8% तेजी के साथ बंद होता है, ठीक है, अगर मैं सोचती हूँ कि यार ये 8% आज चढ़ चुका है कल तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखिए जो ट्रेडर यहाँ काम करते हैं वो ये सब पहले से जानते हैं, कर करके देख चुके हैं कि प्रॉफिट वाला ट्रेड प्रॉफिट ही में ही जाएगा, वो उसका ट्रेंड अप है, वो साबित कर चुका है अपने आप को, वो अपने आप को साबित कर चुका है कि वो आपका राइट ट्रेड है, आप रॉन्ग ट्रेड में बैठे नहीं रह सकते। ये आप वही काम कर रहे हैं, एक फादर है उसके घर में 2 बेटा है, एक बेटा रोज सुबह बाहर जाता है काम करता है पैसा कमा के लाता है और एक बेटा घर पे बैठा रहता है सारा दिन और खाता रहता है। आपने जो बेटा पैसे कमा के ला रहा है उसको बाहर निकाल दिया और जो घर बैठा है उसको घर बैठा लिया, फिर दोबारा यानी जो पैसा कमा के नहीं ला रहा वो लॉस वाला, वो लॉस वाला ट्रेड है आपका, आप उसको रख नहीं सकते हैं। एक रिटेलर है उसको अपनी 5 दुकान खोलता है, मान लीजिए कोई भी रिटेलर है किसी भी चीज का, गारमेंट का रिटेलर है, 5 दुकान खोलता है अलग अलग स्लॉट्स के ऊपर अलग अलग एरिया में, और उस एरिया में उसका 2 दुकान किसी भी एरिया के अंदर अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आप बताइए वो रिटेलर कौन सा दुकान को बंद करेगा? वो रिटेलर बोलेगा मैं लॉस वाला दुकान को बंद करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वहां पर तो वो बहुत सयाना बन गया, और इस मार्केट में यहाँ पे सयानापन कहाँ चला जाता है? यहाँ पे हम सारा लॉस वाला ट्रेड रख लेते हैं और प्रॉफिट वाला बाहर निकाल देते हैं। यहाँ भी आपका 5 दुकान है, 2 में लॉस आ रहा है, 3 में प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट वाले को रन कीजिए क्योंकि वो राइट जगह है, वहां पे कस्टमर आ रहा है, वहां पे आपको और भी प्रॉफिट मिलेगा, बायर्स और खड़े हुए हैं वहां, और वॉल्यूम, आप वॉल्यूम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट चीज है, वहां और भी बायर हैं, एक शॉप जो आपको प्रॉफिट दे रहा है उसकी ये बहुत प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे कि वो आगे भी प्रॉफिट देगा, और लेकिन एक आम आदमी यहां पे ये चीज फॉलो नहीं करता, वहां करता है। लॉस आपको नहीं लेना है, आपको लॉस जो है वो बुक करना है जितना छोटा हो सके। आपका एक ट्रेड है, आपने लिया ट्रेड 100 रुपए में, अगर वो ट्रेड आपका 90 रुपीज में स्क्वायर हो जाता है लॉस में, और एक और ऐसे ही आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में से आपके 5 ट्रेड ऐसे हो सकते हैं जो आपके 10-10 रुपए आपको लॉस जाए, लेकिन उस 10 में से 5 ट्रेड ऐसे भी हो सकते हैं जो 100 रुपए का 150 रुपए हो जाए। Patience is the key to success. अब इसमें देखिए, यहां पर आपको 5 ट्रेड में लॉस हुआ सिर्फ 50 रुपीज का और यहां आपको 1 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज का, यानी कि आपके 5 ट्रेड का लॉस 1 ट्रेड भी आपको दे सकता है, वो राइट, अगर आप राइड करना जानते हैं उसको। राइट, तो यानी आपको सारा काम जो है वो लॉस पर करना है, आपको ये डिटेक्ट करके रखना है, और उसके लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लॉस मिनिमम करने का वे क्या है, स्टॉप लॉस लगाना, उसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कोर जो अभी जस्ट इस बात का है जो हमने ये बात करी कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस अपने ट्रेड्स में से जो चूज करने होंगे वो इस अकॉर्डिंग चूज करने होंगे, इस अकॉर्डिंग कंटिन्यू करने होंगे कि कौन सा ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रहा है, कौन से ट्रेड को घर रखना है। और इनफैक्ट यही हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स के चेहरे पर ये खुशी बनी रहे, ये जो प्रॉफिट की चमक है, ये जो सोने के सिक्कों की जो चमक है, जो उनकी खनक है वो बनी रहे, और किस तरह से ये खनक बनी रहनी चाहिए इसी पर सारी कोशिश रहेगी हमारे शो में समझाने की आपको। फिलहाल शो को यहीं समेटना चाहेंगे, शुक्रिया सुनील बहुत बहुत हमारे शो में बने रहने के लिए, व्यूवर्स को ये सारी साइकोलॉजी मनोविज्ञान समझाने के लिए। इनफैक्ट और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होंगे लेकिन अगले एपिसोड में।